नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमोरल हर्निया के बारे में। फेमोरल हर्निया एक ग्रोइन हर्निया ही है, जैसे आप इनग्वाइनल हर्निया को जानते हैं उसी तरह लगभग इसी रीजन में एक छोटा स्वेलिंग होता है फेमोरल हर्निया में। और नॉर्मल पेशेंट्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये इनग्वाइनल हर्निया है या ये फेमोरल हर्निया है। फेमोरल हर्निया बेसिकली एक फेमोरल केनाल के अंदर है, जो कि एक छोटा केनाल है ग्रोइन में, जहाँ पर फेमोरल आर्टरी निकलती है और फेमोरल वेन निकलती है। उसके जस्ट पास में ही एक ओपनिंग रहती है, जो यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट्स में बंद रहती है, लेकिन किसी पेशेंट में ये ओपनिंग खुलने की वजह से यहाँ पर आंत या चर्बी जाना शुरू हो जाती है। और ये बहुत छोटी ओपनिंग है, इसलिए इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और पेशेंट फील कर सकते हैं कि उनके ग्रोइन में एक छोटा स्वेलिंग है, या अगर ये फंस गया है तो बहुत तेज़ पेन है, और कुछ पेशेंट में वॉमिटिंग भी हो सकती है। सो इन केसेस में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो एग्ज़ामिन करके बता पाएंगे कि आपको इनग्वाइनल हर्निया है या फेमोरल हर्निया है। सो आप घर बैठ के इसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज एक सिंपल एग्ज़ामिनेशन करके आपको बताना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन सा हर्निया है। और दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम ही रहता है, इनग्वाइनल हर्निया में भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है और फेमोरल हर्निया में भी ऑपरेशन करवा के इसको ठीक किया जा सकता है। सो इसका डिफरेंशिएट करने का घर पे कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। ये किन केसेस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रिसीडिंग फैक्टर हो, लेकिन कुछ केसेस में ये चाइल्ड बर्थ के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे केसेस में हो सकता है, या बाकी फैक्टर्स जिनमें इनग्वाइनल हर्निया होता है, यानी कि अगर आपको किसी कारण बहुत लंबी कफ है, आपका वेट ज़्यादा है, आपको कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक है जिससे पेट पे प्रेशर पड़ सकता है, तो इन सभी कारणों से भी फेमोरल हर्निया बन सकता है। सो अगर आपको ग्रोइन में स्वेलिंग है और आपको डाउट है कि ये इनग्वाइनल या फेमोरल हर्निया हो सकता है, तो आप एक डॉक्टर को विज़िट कीजिए, वो एग्ज़ामिनेशन करके आपको बता सकते हैं। और अगर स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की मदद से वो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कौन सा हर्निया है। और अगर ये डायग्नोस हो जाता है तो यूजुअली इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। ट्रेडिशनली हम चीरा देकर ओपन सर्जरी कर सकते हैं, या इसको आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी दूरबीन के साथ किया जा सकता है, और इवन रोबोटिक सर्जरी के साथ भी इसका सिंपल एक ऑपरेशन करके इसको ठीक किया जा सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपको वाकई फेमोरल हर्निया है या इवन इनग्वाइनल हर्निया है, तो डॉक्टर्स को विज़िट कीजिए, ये सर्जरी करवाइए और अपनी लाइफ नॉर्मली जीना शुरू कीजिए। थैंक यू।